कॉ को लगातार दो मरतबा ज़र्ब लगाई जाए, सर्विस के दौरान सर्वर का पांव कोर्ट के किसी लाइन को छू जाए। माँ सिवाय सिंगल मुकाबले में बैक गैलरी की लाइन के इस हिस्से को जो उसके भीतरी कोर्ट में होता है। नंबर 12 पे है, सर्विस के दौरान शटल कॉक छत या हॉल के दीवार को छू जाए। सर्विस करते वक्त शटल कॉक सर्वर के जिस्म या कपड़ों को छू जाए, सर्विस करने से शटल कॉक अपने ही कोर्ट में गिर जाए। तो ये सारी इसके गलतियां और फाउल हैं, जिसकी सूरत में स्कोर भी और सर्विस भी मुखालिफ साइड को मिल जाती है। सीधे हाथ से सर्विस, उल्टे हाथ से सर्विस, ये देखें ये गलत है और सही ये है। उसके बाद है लेट से मुराद ऐसी सूरत हाल जिसमें किसी पॉइंट पर दोबारा सर्विस करने की रियायत दी जाए, यानी कोई नया पॉइंट नहीं बनता। मदर्ज जैल सूरतों में लेट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, अगर नागहानी या हादसाती सूरत में खेल रोकना पड़े, मसलन नेट का गिर जाना या बिजली का बंद हो जाना। अगर सर्विस करने वाली खिलाड़ी वसूल करने वाली खिलाड़ी के तैयार होने से पहले सर्विस कर दे। खेल के दौरान अगर शटल कॉक का कॉर्क परों से अलहदा हो जाए। अगर दोनों टीमें बयक वक्त किसी फाउल की मुर्तकिब हो जाएं। अगर किसी रुकावट के बायस लाइन जज खेल ना देख सके और अंपायर भी कोई फैसला ना कर पाए। अगर सर्विस गलत कोर्ट से की जाए और सर्विस करने वाली टीम रैली जीत जाए तो अगली सर्विस करने से पहले गलती मालूम होने पर लेट करार दिया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी गलत कोर्ट में सर्विस वसूल करती है और इसकी टीम रैली जीत जाती है तो अगले सर्विस से पहले गलती मालूम होने की सूरत में लेट करार दिया जाएगा। अगर गलत सर्विस कोर्ट में सर्विस करने वाली टीम वाली गलत कोर्ट में सर्विस वसूल करे करने वाली टीम की टीम रैली हार जाए तो इसे लेट करार नहीं दिया जाएगा बल्कि खेल जारी रखा जाएगा। नंबर 9 पे है, अगर अगली सर्विस होने के बाद गलती मालूम हो जाए तो खेल जारी रखा जाएगा, इसे लेट करार नहीं दिया जाएगा और ना ही इसका मुतालबा किया जा सकता है। ये था लेट, किसी भी गलती की सूरत में सर्विस को दोबारा या पॉइंट को दोबारा खेलना यानी कि रियायत देना, इसे लेट बोलते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।